जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? नहीं, हम मुद्दों को क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर के जा रहे हैं जी, क्योंकि ये 20 वर्ष से हमारे क्षेत्र में एक भी कोई ऐसा काम डेवलपमेंट का हो नहीं पाया जी। जैसे दिल्ली में भी नहीं हो पाया, ऐसे ही हमारी विधानसभा में तो बिल्कुल ही नहीं हो पाया जी। 70 विधानसभाओं में जी, ये छतरपुर इस विधानसभा का ऐसा हाल 20 वर्ष में हो गया है जी कि बस पूछो ना, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही जी, और यहाँ 15 वर्ष से विधायक भी दूसरे बनते आ रहे हैं, कभी कांग्रेस के, कभी आम आदमी पार्टी के जी। और पब्लिक भी दुखी है, उन्होंने आम आदमी को इसलिए चुना था कि शायद ये कुछ करेगा, लेकिन उसने तो सारा, जो आज तक कोई भी पब्लिक के साथ इतना धोखा नहीं दे पाया जितना इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने दे दिया। तो हमारा सारा मुद्दा इस विधानसभा के चुनाव में डेवलपमेंट को लेकर के है, यहाँ बहुत बड़ा डेवलपमेंट करना है, पिछड़ी हुई विधानसभा को हम इसको नंबर वन पे लाने का प्रयास कर रहे हैं जी। और केजरीवाल सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, जैसा कि आप लोग बता कह भी रहे हैं कि इतने स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक, तरह तरह के वादे थे, कितना खरा उतरी है अपने वादों पर? ये 70 वादे इसने किए थे जी, 70 वादों में से अभी तक एक भी वादा इसने कोई पूरा नहीं किया है जी, केवल झूठ बोलना इसने किया है जी, और झूठ बोल करके पब्लिक का वोट लेने के लिए ये पब्लिक के बीच में आया है, और इसने कोई काम नहीं किया जी। और आज आपकी बाइक रैली भी निकली, हमने देखा कि गृहमंत्री अमित शाह ने आपके लिए एक समर्थन में रैली को संबोधित किया, क्या माहौल है आपकी विधानसभा में? मुझे तो चारों तरफ जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, मुझे तो वही दिख रहा है, यहाँ एक एक वोटर मेरे साथ है जी, एक एक साथी मेरे साथ है, जेन्युइन लोग मेरे साथ है जी, किराए के लोग मेरे साथ नहीं है, ना मुझे वो चाहिए जी, लेकिन जेन्युइन लोग मेरे साथ हैं जी, और ऐतिहासिक जीत यहाँ पे होगी ऐसा मुझे विश्वास है जी। और आपने कहा कि जेन्युइन लोग आपके साथ हैं, किराए के लोग आपके साथ हैं, वो हमने भी देखा कि किस तरह से आपके घर में जब आप विधायक नहीं थे तो भी द्वार खुले रहते हैं, हमेशा भीड़ लगी रहती है, जो लोग आते हैं आपके पास, अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनकी सबसे ज़्यादा क्या शिकायतें आपके पास लेकर आते हैं? देखो, घर के दरवाजे तो मेरे इसलिए खुले हुए हैं कि लोगों ने मेरे लिए दिल खोल रखा है जी, तो मैं उनके साथ तो मैं रहूंगा ही जी, जिस घर में मैं रहता हूँ वो घर भी सब उनका ही है जी, और इसलिए आज तक मुझे कोई ये भी नहीं कह सकता कि कभी हम उनके घर पे गए और हम बैल देते रहे या हमें कोई वो मिला नहीं, वो तो खुले रहे, लेकिन उन लोगों की आशा पे पानी नहीं फिरने दूंगा जी, उन लोगों के लिए, उनके हित के लिए काम करेंगे। मैंने पहले भी बहुत लोगों को रोजगार दिलवाया सरकार से लड़ के झगड़ा करके, और आगे भी केजरीवाल की तरह झूठ बोलना हमने सीखा ही नहीं, हम ऐसी पार्टी के मेंबर हैं जी। बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप है कि उसने चुनाव को सांप्रदायिक रंग दे दिया है, आज भी जैसे गृहमंत्री जी ने शाहीन बाग का नाम लिया। नहीं नहीं, देखो ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है जी, हम इस देश के निवासी हैं, और अगर हम जो हमारा अंग बहुत जब से देश आज़ाद हुआ जब से हमारे साथ नहीं है जी, अगर हमने वो अपने अंग को अपने साथ जोड़ लिया है, भारत माँ के साथ मिला दिया है जी, तो इसमें सांप्रदायिक क्या बात रह गई है जी, क्या हम सांप्रदायिक के डर की वजह से क्या हम अपने कश्मीर को छोड़ देंगे जी, अगर कोई इसको सांप्रदायिक कहे तो कहता रहे जी, लेकिन ये सांप्रदायिक नहीं है, ये हमने अपने देश को एकजुट करना है, अभी तो और बहुत काम करने हैं जी। और आज तो गृहमंत्री जी ने बड़े बड़े ऐलान भी कर दिए हैं कि 11 तारीख को 12 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, 1 बजे हमारा मुख्यमंत्री होगा, 2 बजे आयुष्मान योजना मिल जाएगी, खासतौर पर संजय कॉलोनी वालों को, पूरी दिल्ली वालों को। आप दिल्ली में पार्टी के संगठन में भी पदों पर रहे हैं, दिल्ली का क्या माहौल देखते हैं आप? नहीं, आयुष्मान योजना तो आई हुई है दिल्ली के लिए, इसने लागू नहीं की जी, ये हट जाएगा लागू हो जाएगी जी, इसने तो लागू ही नहीं की। अगर एक संजय कॉलोनी में एक एक घर जितना भी बना हुआ है वो सब गरीब लोग हैं, हैंड टू माउथ है, सारा दिन मेहनत करते हैं, कमा के लाते हैं, अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाए उसको वो आयुष्मान योजना मिलती जो प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए दी, तो इसमें बुरी बात क्या है? ये केजरीवाल उसको रोक करके बैठा है, ये तो सांप की तरह जी। तो ये केजरीवाल हट जाएगा, योजना लागू हो गई जी। प्रेम सिंह जी, आपसे आखिरी सवाल, अभी आम आदमी पार्टी से तो खैर मुकाबला नजर आ रहा, कांग्रेस कहीं प्रचार में नहीं दिख रही है, क्या कारण है? कांग्रेस अपने कर्मों से गई है, कांग्रेस ने जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे जी, तो घोटालों के सिवा और कोई काम किया ही नहीं जी, हर रोज टेलीविजन में एक नया घोटाला आ जाए,
अगर एक सप्ताह नहीं घोटाला कोई आए, लोग ये समझते थे शायद हमारा टीवी तो खराब नहीं है, कोई आज घोटाले का जिक्र ही नहीं हुआ है, और उसमें टीवी में हाथ मार मार करके देखते थे कि शायद कोई घोटाला आ जाए। लेकिन इन कर्मों से कांग्रेस गई है और अब वो उतर चुकी है लोगों के मन से, मुझे नहीं लगता शायद वो फिर कभी आएगी। तो ये हैं छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी ब्रह्म सिंह जी, जिन्होंने विश्वास जताया अपनी जीत का, और उनको विश्वास है कि गृहमंत्री अमित शाह जी ने जो आज ऐलान किया है कि 11 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी की सरकार होगी दिल्ली में, ऐसा इनका विश्वास है। भाई ब्रह्म सिंह तोर, भाई ब्रह्म सिंह तोर, भाई ब्रह्म सिंह तोर, भाई ब्रह्म सिंह तोर।